सा छोटी धूली जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। और वर्ण वर्ण गिनती में 52 होती है। 52, ओके। वर्ण वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर की परिभाषा, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे हम स्वर कहते हैं। और स्वर 11 होते हैं। ऋषि, ए ऐ ओ औ, ओके। अब मैं आपको व्यंजन के बारे में बताऊंगी, ओके। व्यंजन की परिभाषा, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन गिनती में 33 होते हैं। 33, ओके। क ख ग घ ग, च छ ज छ या, ट ठ ड ठ ण, त थ त ध न, प फ ब व म, य र ल व श, श ष ह, ओके। अब मैं आपको बता दूं कि अयोगवाह कितने होते हैं? अयोगवाह दो होते हैं, एक तो अं अधिक अहा। संयुक्त व्यंजन के बारे में बताते हैं। संयुक्त व्यंजन चार होते हैं, एक तो छ, त्र, ज्ञा और श। पहले हम बनाएंगे देंगे। मैं इसे थोड़ा सही कर देती हूँ, ओके। तो अब मैं आपको बताऊंगी द्विगुण, ओके। द्विगुण दो होते हैं, एक तो ड और एक ध। पहले अब आप ये सोच रहे होंगे कि पहले मैंने आपको बताया था कि वर्ण 52 होते हैं, पर ये 52 कैसे होते हैं? अगर हम स्वर तो 11 है, व्यंजन तो 33 है, अगर हम इन दोनों को प्रेस कर देंगे और इन्हें इक्वल टू करेंगे तो ये तो हो गए 44। तो ये तो 44 ही हुए ना। अब जो वर्ण है उसे 52 करने के लिए हम अयोगवाह और संयुक्त व्यंजन और द्विगुण का यूज करते हैं, ओके। अब मैं आपको इन्हें ऐड 11 प्लस 33 प्लस अयोगवाह हमारे दो होते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दो, और प्लस संयुक्त व्यंजन, हमारे संयुक्त व्यंजन चार थे, तो हम यहाँ पे चार लिख देंगे। और अब
बचे हैं दो गुण, दो गुण दो होते हैं तो हम पे दो लिख देंगे। ओके अब हम इन सबको अब इन सबको इक्वल टू करेंगे तो हमारा होगा 52। कैसे हुआ 52? 52 अगर हम 11 के साथ 33, 11 के साथ 33 को ज्वाइन कर देंगे तो वो होता है 44। और हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वो हमारा हुआ 6। और इसके साथ हम 2 और ऐड कर देंगे तो हमारा हो गया 8।